हेलो दोस्तों, सेट ए का सेट जे का देखेंगे ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी पदार्थ का किस क्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो पहला जो सही आंसर हो जाएगा एक्टिव मास, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, ओलिया का सूत्र है, ओलिया का कौन सा सूत्र है। तो ओलिया का सूत्र होता है H2S2O7, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ ओलम इज H2S2O7, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है, कौन कार्बोनिक यौगिक सिल्वर मिल जांच देता है, यानी ऑप्शन थ्री का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, C3C2H देता है। क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, यानी इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है, आदेश विलयन का निम्न से कौन सा गुण है, यानी बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो जो पहला है आइडियल सॉल्यूशन का, ओबे रॉल्स लॉ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एनकोल का सामान्य सूत्र है, यानी जनरल फार्मूला ऑफ एनकेल क्या होता है। जनरल फार्मूला ऑफ एनकेल जो होता है CnH2nO होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड, यानी उर्वरक ठोस पदार्थ कौन है। तो इसमें से जो ठोस पदार्थ है ग्लास होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कांच। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें जो तो कथन जो है ऑप्शन ए सही है, ऑल और आस मिनरल्स होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम भस्म है, यानी कौन सा प्रबलतम भस्म है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का सही आंसर ए हो जाएगा, NH3 है। क्वेश्चन नाइन का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन दिया हुआ है, इन SCP यूनिट से नंबर ऑफ एटम इज, इन SCP में नंबर ऑफ सेल एटम्स कितने होते हैं यूनिट सेल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर सिक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा।